नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी के ध्यान के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस की हाईकोर्ट में याचिका, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। गुजरात में एक सप्ताह का चक्रवात का अनुमान, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के निर्देश। और वडोदरा विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, ड्राइवर को थमाया 13.45 लाख का बिल। लोकसभा चुनाव के सातवें फेज का प्रचार खत्म होने के बाद मोदी ध्यान में चले गए हैं, लेकिन उनके एकांकी ध्यान को भी देश खूब देख रहा है। पीएम मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने का आज शुक्रवार को दूसरा दिन रहा। उनके ध्यान करने की तस्वीरें और वीडियोज भी सामने आए। वे भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए दिखे। उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया, मंदिर की परिक्रमा की और ध्यान मुद्रा में बैठे। पीएम 1 जून सुबह 10 बजे तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रहेंगे। उधर विपक्ष मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पीएम गुरुवार शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे। सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान मोदी ने सफेद मुंडू और शॉल पहना था। पुजारियों ने उनसे विशेष आरती करवाई, प्रसाद, शॉल और देवी की तस्वीर दी। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें फेज के कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश की है, इसलिए इस पर कार्यवाही तो होनी चाहिए। उधर मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंगथाई पेरियार द्रविड़र कड़गम ने मदुरई में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखाए। इसी संगठन ने एक्स पर गो बैक मोदी पोस्ट किया है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की यात्रा करने पर चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग ने इसी तरह की अनुमति 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम को दी थी। जानकार सूत्रों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दिया। इसमें साइलेंट पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक का उल्लेख है। गुजरात में 1 से 7 जून तक चक्रवात की संभावना के चलते समुद्र किनारों पर रहने वालों को अलर्ट किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के तहत गुजरात के समुद्र किनारों पर तेज हवाएं चक्रवात के रूप में चलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मछुआरों को समुद्र के किनारे या पानी में नहीं जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मछुआरों के 1 जून से 7 जून रात 12 बजे तक समुद्र में जाने पर रोक लगाई गई है। गुजरात के वडोदरा में विद्युत विभाग ने एक ग्राहक को 13.45 लाख रुपयों का बिजली का बिल थमाकर लापरवाही का एक और उम्दा नमूना पेश किया है। पूरे गुजरात में स्मार्ट मीटर की हायतौबा बढ़ती जा रही है। लोग स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर कह रहे हैं। इसी बीच वडोदरा में एक और मामला सामने आया है, जिसमें जेतलपुर में रहने वाले इब्राहिम नामक बिजली उपभोक्ता को 13.45 लाख रुपए बाकी होने का मैसेज मोबाइल पर मिला है, जिसने MGVCL की एक और लापरवाही और खुली लूट उजागर की है। जेतलपुर एरिया में रहते अग्रवाल गेस्ट हाउस के पीछे और बिल हमारा 13,45,000 आयला, तो हमको इससे टेंशन आ गया। मेरा लड़का रोज GB पे धक्के खाता था तो कम नहीं होता था। आज सब आए तो मीडिया वाले ने सब न्यूज के लिए तो आज कम हुआ है। तो हमको तो स्मार्ट मीटर चाहिए ही नहीं, हमको हमारा जूना मीटर चाहिए। हमको चाहिए ही नहीं, हम तो ना ही बोलते। हमको तो हमारा जूना, हमारा 2500-2600 ऐसा लाइट बिल आता था 2 महीने का, और ये 13,45,000 लगा दिया तो हम कैसे लावे। हम गरीब इंसान है, मेरा लड़का एक कमाने वाला, इसकी 4 लड़कियां है, हम बुढ़ा बुढ़ी को संभालता है, फिर हम वो कहाँ से भरेगा। वही इस मामले MGVCL के डायरेक्टर तेजस परमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलती करार दिया है। आज 31 मई 2024
જે અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં એક 13,45,000 રૂપિયાનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ બિલ એમજીસીએલ તરફથી ઇસ્યુ થયું છે એવો એક મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. બાબતે હકીકતે જણાવવાનું કે આ 3 મે જ્યારે મીટર રિપ્લેસ થયું હતું ત્યારે જે જૂના મીટરના રીડિંગ છે એના આધારે જે કેલ્ક્યુલેશન સિસ્ટમમાં થયું હતું, જે એન્ટ્રી અમારા રીડરે પડી હતી એના આધારે બિલ કેલ્ક્યુલેટ થયું હતું. જૂના મીટરની વાત છે, કોઈ નવા મીટરની એમાં વાત નથી. અને એને જ્યારે પણ સિસ્ટમમાં આ ખબર પડી ત્યારે એને રેક્ટિફાય કરીને ઓલરેડી સુધારેલી જે વિગત છે એ એની એપ્લિકેશનમાં અત્યારે ઓલરેડી શો કરવામાં આવે છે. એટલે આ જે મેસેજ ફરી રહ્યો છે એ જૂની તારીખનો છે. બીજું, છેલ્લા એક વીકથી કોઈ નવા મેસેજીસ આ પ્રકારના આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટના અત્યારે મોકલવામાં આવતા નથી, એ ઓલરેડી સદંતર બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત કે ભરૂચ મે નિજી બેંક તોડકર બેંક કી તિજોરી લૂટકર ઉસે ટ્રેક્ટર સે ખીંચકર खेत तक ले जाया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखने के लिए देखिए ये खबर. भरूच के आमदड़ा गांव निकट HDFC बैंक को तस्करों ने निशाना बनाया और बैंक की अलमारी को ट्रैक्टर से खींचकर खेत तक ले आए. खेत में अलमारी तोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन अलमारी मजबूत होने के चलते चोर उसे तोड़ नहीं पाए और अलमारी को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले, जिसकी जानकारी मिलने पर तालुका पुलिस समेत के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है. इस अलमारी में करीब 19,00,000 रुपए जितनी नकदी रखी हुई थी लेकिन तिजोरी मजबूत होने की वजह से 19,00,000 रुपए बच गए हैं. गुजरात के भावनगर के महाराजा कुमार श्री शिवभद्र सिंह गोहिल का दुखद निधन हुआ है, जिससे भावनगर वासियों में शोक की लहर है. भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी देश विदेश में मशहूर थे. उनके बेटे भावनगर के महाराजा शिवभद्र सिंह गोहिल का 91 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हुआ है. पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत उम्र की वजह से खराब चल रही थी और आखिरकार महाराजा स्वर्गवासी बने हैं. आज दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक बोर तालाब स्थित भाव विलास पैलेस में उनके अंतिम दर्शन का आयोजन किया गया. महाराजा शिवभद्र सिंह गोहिल के निधन से भावनगर के लोगों में शोक की लहर है. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. वेलकम टू कोर्टयार्ड पैलेडियम. 3 BHK लार्ज साइज अपार्टमेंट्स, या तुम नंबर से ग्रैंड लिविंग रूम विद एन अमेजिंग व्यू, साथ ही कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया. A perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms, the pehla bedroom with an amazing balcony view. Sath hai the second bedroom, which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand, and so beautiful. Best baat hai apartments ni aise kahin ya tumne mera se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Bharat le raha hai electric angdai. मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिजियोथेरापिस्ट लड़की ने इंस्टाग्राम पर 4 पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. मध्य प्रदेश के मंदसौर के पिपलिया मंडी में एक फिजियोथेरापिस्ट लड़की की सुसाइड ने हंगामा मचा दिया. युवती के सुसाइड करने की वजह प्यार में मिला धोखा था. मृतक लड़की ने सुसाइड करने से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. साथ ही प्रेमी जितेंद्र नागदा के साथ फोटो भी अपलोड करते हुए प्यार में धोखा देने के आरोप लगाए, जिससे आक्रोशित परिजनों ने भीम आर्मी की अगुवाई में हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया और आत्महत्या के लिए प्रेमी जितेंद्र नागदा को जिम्मेदार ठहराकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की. वहीं इस मामले पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की बात कही है.
ये मौन व्यायाम करने का कारण ये मुख्य कारण ये है कि हमारी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया एक लड़के ने, और 9 साल से वो रिलेशनशिप में रहा और उसने शादी का झांसा दिया था कि मैं शादी करूंगा। उसके बाद उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। जब हमारी बेटी उसके घर पे गई बात करने तो उसने उसके पापा के बहकावे में आके मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, और उसका यौन शोषण करता रहा 9 साल तक। और कल उसके पापा और उसके भैया और 4-5 गुंडे और लेके आए थे और लड़की को धमकाया। तो क्या पता लड़की ने खुदकुशी की है या उन्होंने फांसी दी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हमको न्याय चाहिए। तो उस लड़के का अभी घर गिर जाएगा, तो चक्का जाम हट जाएगा यहाँ से, और हमारी महिला को न्याय चाहिए। ये थाना पिपलिया मंडी की घटना, एक मर्द कायम हुआ है, मृतिका द्वारा सुसाइड करके एक सुसाइड नोट छोड़ा है। परिवारजन की मांग है कि इसमें कार्रवाई की जाए दोषियों पे। परिवारजनों को इसमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी इसमें दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मृतिका द्वारा सुसाइड किया है, अब इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक सुसाइड नोट मिला है मृतिका द्वारा, इंस्टाग्राम पर एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है अपना, तो जिस पर परिवारजनों को जो दोषी उसमें है उन पर कार्रवाई के लिए परिवारजनों की मांग है, उसमें कार्रवाई की जाएगी, उनको आश्वस्त किया गया है इस संबंध में। गुजरात के वडोदरा में 4 जून को होने वाली मतगणना में 19 राउंड में 98 टेबल्स पर काउंटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। गुजरात राज्य में सरकार और प्रशासन द्वारा भी अब मतगणना की तैयारियां की जा रही है। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर की पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का दौरा किया और पूर्व तैयारियों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। 4 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसी के तहत पी भारती पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और उन्होंने विधानसभा बैठक के तहत कक्ष का दौरा करते हुए मतगणना के एजेंट और साथ ही ईवीएम मूवमेंट की व्यवस्था को देखा। यहां पाघोड़े विधानसभा बैठक के उपचुनाव और लोकसभा बैठक के काउंटिंग की जाएगी, जिसके हॉल का भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर बड़ोदरा जिला कलेक्टर बीजल शाह ने उपस्थित रहकर काउंटिंग सेंटर के बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी को जानकारी प्रदान की, जिसके तहत एक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल रखे गए हैं। वागोड़िया विधानसभा बैठक के लिए भी 14 टेबल लगाए गए हैं। 19 राउंड में मतगणना की जाने की व्यवस्था की गई है। पोस्टल बैलेट के लिए भी अलग से एक हॉल में 27 टेबल की व्यवस्था की गई है। करीब 120 जितने कर्मचारी इस दिवस पर अपनी ड्यूटी करेंगे। वहीं मतगणना प्रक्रिया में टोटल 620 से ज्यादा कर्मचारी शामिल है। आज रोज सवारे 9 कलाके गुजरात राज्य ना मुख्य चूंटणी अधिकारी श्री सुश्री प्री भारती मैडम वडोदरा लोकसभा नी ज्या मतगणतरी थवानी छे ते पॉलिटेक्निक कैम्पस खाते मुलाकात लई अने स्ट्रॉंग रूम अने काउंटिंग हॉल ने एनी व्यवस्थानु संपूर्ण निरीक्षण करेलू अने निरीक्षण थी तेओने जे पूर्व तैयारी ने आयोजन करेल छे तेनाथी संतोष व्यक्त करेल छे। गुजरात के सुरक्षित माने जाते वडोदरा शहर में भी अब चोरों का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता से वडोदरा की जनता को चोरों को खुद ही पकड़ना पड़ रहा है। वडोदरा के राजमहल रोड पर आज सुबह चोरी करने आए चोरों को स्थानीय निवासियों ने पकड़ लिया। ये चोर हथियारों के साथ सुबह सुबह रिक्शे में चोरी करने आए थे और कई मकानों में चोरी भी की। इस पोल में सभी पुरुष सुबह सुबह अपने काम के लिए जल्दी निकल जाते हैं, ऐसे में चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाकर चोरी कर ली। इन चोरों को स्थानीय निवासियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। રાત્રે 2 વાગે અને એ ચોર પછી ચોરી કરીને સીધા કોડીફળિયામાં ગયા, તે કોડીફળિયામાં પછી એ લોકો એક જણ પકડાયો હતો, એ બધું પરચુરણ હતું ને આશરે 20-25 હજાર નું થઈ ગયું। पोषक तत्वों वाला ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए आप साल भर में हजारों रुपए खर्च करते होंगे, लेकिन सूरत के एक युवक ने पोषक तत्वों से भरपूर बरसाती पानी का संग्रह कर उसे ही फिल्टर कर उसकी बिक्री शुरू की है। जब बरसात होती है हजारों लीटर पानी यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता है।
ये देखकर सूरत के ओवियान गांव के एक युवक को अचानक ये ख्याल आया कि इतने अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर पानी का साल भर संग्रह कैसे किया जाए। ख्याल के साथ ही राहुल काचा ने इस पर अमलीकरण शुरू किया और एक बड़ी सी अंडरग्राउंड टंकी बनवाई जिसमें 3 लाख लीटर पानी का संग्रह हो सकता है। राहुल काचा का मानना है कि बरसाती पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य हित में राहुल ने बरसाती पानी की होम डिलीवरी शुरू की है। गुजरात के अलग अलग शहरों में 20 लीटर के कैन के जरिए राहुल फिल्टर किया हुआ शुद्ध और पोषक द्रव्यों से भरपूर बरसाती पानी पहुंचाते हैं। हम बारिश का पानी बारिश के मौसम में नक्षत्र के हिसाब से हम रफ टॉप के ऊपर से लेते हैं और स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं। मैं राजीव दीक्षित को 10 साल से 2010 में मैंने उसको सुना था और उसके आयुर्वेद में जो प्रवचन रहते हैं उसमें काफी सारी बात बारिश के पानी की भी हुई है, तो उस हिसाब से मुझे भी बारिश का पानी पीना था। उस हिसाब से मैंने बारिश का पानी को स्टोर करने का सोचा और दूसरा मैंने होम डिलीवरी करने का भी सोचा। इस बरसाती पानी को रूफटॉप से कलेक्ट किया जाता है और छान कर टंकी में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद भी स्पंज वाले एक फिल्टर से पानी को शुद्ध कर पोषक तत्व वाला पानी पीने के इच्छुक लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि अच्छा पानी पीकर सभी लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सके। हम वैसे नक्षत्र के हिसाब से ही बारिश का पानी स्टोर करते हैं क्योंकि उस नक्षत्र के हिसाब से बारिश के पानी में प्रभाव उस बहुत रहता है और जब हम बारिश का पानी स्टोरेज करना होता है तब भी हम 5-10 मिनट के लिए पानी जाने देते हैं क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर में भी काफी सारा कचरा है, जैसे हम इंडस्ट्रियल है और वाहन का जो धुआं निकलता है तो वो सब पीने के पानी में अंदर आना नहीं चाहिए, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम पानी को रफटॉप से ही स्टोर करते हैं और उसको जो 20 लीटर की बोतल में हम देते हैं उसमें भी हम छान के ही उसमें भरते हैं। मैंने जब 2021 में स्टार्ट किया तब मैंने सिर्फ सूरत में स्टार्ट किया था लेकिन पिछले एक साल से हम अंकलेश्वर भरूच और बड़ौदा तक देते हैं और पिछले 2 महीने से हमने अहमदाबाद तक पानी देने की शुरुआत की है। आप ये जो बारिश का पानी है वो डिलीवरी पूरा पूरा साल देते हो कि सिर्फ बारिश के महीने? नहीं नहीं, हम पूरे साल देते हैं क्योंकि हमारे पास 3 लाख लीटर की स्टोरेज टैंक है। जैसे राहुल काचा ने बताया कि आयुर्वेद में पोषक तत्वों से भरपूर बरसाती पानी का उल्लेख सुनकर उन्होंने ये शुरुआत की थी और दिन ब दिन वे इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भी करते जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में उनका व्यवसाय भी अच्छा हो और साथ ही लोगों को पोषक तत्व से भरपूर बरसाती पानी मिल सके, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ये उम्दा और बेहतरीन प्रयास है। लाखों लोग छोटी कोशिश और बड़ा परिवर्तन, वीएनएम टीवी की ये टैगलाइन भी राहुल काचा जैसे लोग अपने अपने प्रयासों से भरपूर रूप से साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में सीनियर वकील की गाड़ी पर पथराव की घटना पुलिस थाने में दर्ज हुई है। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में सीनियर वकील की गाड़ी पर पथराव की घटना सामने आने से वकीलों में आक्रोश देखने मिल रहा है। बोडेली की जमुना पार्क सोसाइटी में पार्क की हुई गाड़ी पर पथराव किया गया, गाड़ी के कांच तोड़कर हमलावर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में भी ये हमलावर कैद हुआ है। ऐसे में इस मामले को लेकर बोडेली के वकील बोडेली पुलिस थाने पहुंचे और नारेबाजी कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। गत रात्रे एक में लगभग रात्रे मध्य रात्रि 52 समय दरमियान मारी हुंडई गाड़ी जे जे मारा कॉमन प्लॉट में पड़ी रही थी जेनो नंबर जे 34F0847 हवे ए હું એ સમયગાળા દરમિયાન હું મોડાસા મુકામે હતો, મારા પત્ની અને મારા બાળક ઘરે હતા અને આ સમયગાળા દરમિયાન બે માણસો એ પાટણની સોસાયટીમાંથી કૂદી મારા ઘરની રેકી કર્યા બાદ મારી ગાડીને ખૂબ મોટા પથ્થરથી નુકસાન કરી બધા કાચ તોડી નાખ્યા
અને મારી ગાડીને ખૂબ મોટું નુકસાન કરીને ત્યાંથી ભાગી ગયા. અને એમનો જે ઈરાદો છે તે પરથી એવું લાગે છે કે અમને નુકસાન કરવા માટે આવેલા છે. અને તેને લઈને પછી મને સવારે સોસાયટીમાંથી મારા મિસિસને ખબર પડતા અમે આ બધા વકીલ મિત્રોને ભેગા કરી આ રોજ જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે તે કઢાવીને પોલીસ સ્ટેશનમાં તેઓની ફરિયાદ કરવા માટે આવેલા છે. ગઈ મોડી રાત્રે અમારા બોડેલી બાર એસોસિએશનના સિનિયર ધારાશાસ્ત્રી હેમંતભાઈ જયસ્વાલ સાહેબની સોસાયટીની અંદર એમના ગાડી ઉપર હુમલો કરવામાં આવેલો. રાત્રિના સમયે કાર તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા અને ખૂબ જ નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે. એ નુકસાનમાં જો કોઈ પરિવારના સભ્ય હોય તો એમને ગંભીર ઈજા થતી. એટલે અમે બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં તમામ બોડેલી બાર એસોસિએશનના એડવોકેટ મિત્રો, સિનિયર ધારાશાસ્ત્રી, તેમાં જુનિયર ધારાશાસ્ત્રીઓ ભેગા મળી અને જે પીડિત પરિવાર છે અમારા વકીલનો એ બધા ફરિયાદ આપ્યા બાદ અમે પોલીસને સીધું કીધું છે કે ભાઈ આ સોસાયટીની અંદર પોલીસ પોઈન્ટ, આ સોસાયટીની અંદર જે ટાઈમે જે બનાવ બન્યો તેના CDR કઢાવે અને પોલીસ આની ઝીણવટ ભરી તપાસ કરે અને પોલીસ એને વહેલામાં વહેલી તકે આરોપીને પકડે એવી અમે આ તબક્કે માંગણી કરેલી છે. ખબરો કા દોર યું હી ચલતા રહેગા, ફિલહાલ વક્ત હૈ એક બ્રેક કા. હમે લડકી પસંદ હૈ, કુંડલી ભી મિલતી હૈ ભૈયા, કાફી હોટ હૈ. કોને કોને મે હવા નહીં પહોંચ રહી. Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution ka matlab hota hai upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के भरूच में सासा से राजपाड़ी जाने वाली सड़क जगह से उखड़ गई है, लेकिन प्रशासन है कि इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहा है. गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के सारसा गांव से राजपाटी जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं. यहां डामर का लेयर सड़क पर से निकल गया है, ऐसे में ओवर स्पीड में आने वाले वाहन चालक हादसे का शिकार बनते हैं. कई बार यहाँ हादसे भी हुए हैं, ऐसे में इस सड़क की मरम्मत की मांग स्थानीय निवासी कर रहे हैं. रोज वहाँ रास्ता पर जवर जवर करूँ सहरसा जिले राजपाड़ी सुधी इतना बड़ा खराब गड़ियों से गाड़ी आ जगह पर मिले नहीं तो मैं तुरंत ही 4 वक्त एक्सीडेंट जोला से अब तंत्र कोई जात की कोई बेदरकारी बिल्कुल बेदरकारी राखे से हम કોઈ દિવસ તંત્ર જોવા નથી આવ્યું. આટલી બધી ગાડીઓ છે ગાડી તો કોક ને કોક બાઇક વાળો પડે, કોક આગળ ગાડી ચાલતી હોય પાછળ બ્રેક ના વાગે તો પાછળથી બી પેસી જાય છે. મેં 2-3 વખત જોયું છે. તંત્ર ને એટલું જાણ કરવી છે કે વહેલી તકે સમારકામ કરાવે, તો એમાં કોઈ જીવ જશે તો જવાબદારી કોની રહેશે. એટલે તંત્ર ને અમારે આટલી એક સંદેશ પહોંચાડો પહોંચી જાય એ તમારી માધ્યમથી અમે પહોંચાડવો છે. મારી દુકાન આશા એવન્યુ માં ટી સ્ટોલ ની છે. ઘણા સમયથી આ રોડ એકદમ ખરાબ છે અને રાજપાડી થી લઈને સરસા સુધી બિલકુલ રોડ ખરાબ છે. ઓવર સ્પીડમાં ગાડીઓ આવે છે, લોકો બ્રેક મારે છે, પાછળ બ્રેક મારવાથી ગાડીઓ કંટ્રોલ થતી નથી. એની માટે જવાબદાર કોણ રહેશે? તંત્ર એકદમ નિંદ્રામાં છે, જાગતું નથી. કેટલી વાર બાઇકો પડે છે, લેડીસો પડે છે, કોઈને કઈ પડેલી જ નથી. તો એનું વહેલી તકે કઈ કરવા જેવું લાગે છે, એટલે વહેલી તકે કઈ રોડનું સમારકામ કરે તો સારું. મધ્યપ્રદેશ કે મંદસૌર મેં વિધાયક કી ગાડીને બાઇક સવાર કો ટક્કર માર દી, जिसमें महिला की मौत की खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में महू नीमच हाईवे मार्ग पर तलोदा निकट नीमच के भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार की गाड़ी ने एक बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी,
इस बाइक पर पति पत्नी और दो मासूम बच्चे सवार थे, जिसमें पति और मासूम बच्चे घायल हुए हैं, जबकि हादसे में पत्नी की मौत हो गई है। इस मामले की खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाना दलौदा के लकमाखेड़ी फंटे पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। इस संबंध में जो है एक महिला है, उनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनकी डेथ हो गई है। बाकी इसके अलावा तीन लोग और थे जिनका उपचार चल रहा है। इन तथ्यों की जांच की जाएगी, उसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मंदसौर पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, वहीं विधायक ने महिला की मौत पर दुख भी व्यक्त किया। ये सत्य है कि आज मैं स्वास्थ्य को लेकर सुबह 5:30 बजे नीमच से चेक कराने के लिए जल्दी निकला था, और पीछे से मैंने कहा था क्योंकि बिना खाए पिए वहाँ मेरा टेस्ट कराना था, तो इसलिए मैं जल्दी निकला था और पीछे से डावर और वो गाड़ी लेके आया था, और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट में दुर्घटना में जो बहन गई है उसके प्रति मेरी संवेदना है, और पीड़ा भी है मन में कि आज किसी भी परिवार का एक्सीडेंट होता है, तो उसके प्रति मेरी सहानुभूति। और जब मैं नागदा पहुंच गया था तो मुझे जैसे समाचार लगा तो मैं गया, तो अभी मैंने जब जानकारी ली प्रशासन से उनका पोस्टमार्टम वगैरह, उसके बाद मैं खुद स्वयं भी जाऊंगा उनके परिवार में और संवेदना व्यक्त करूंगा। कोई जानबूझ कर की गई घटना नहीं। राजकोट के अग्निकांड के बाद पूरे गुजरात में फायर विभाग की टीम हरकत में है और निर्दोष लोगों पर कार्यवाही कर अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रही है। सूरत के तक्षशिला कांड के बाद राजकोट में टीआरपी गेम जोन का अग्निकांड सामने आने पर गुजरात के फायर ब्रिगेड विभाग की खूब किरकिरी हुई है। उसके बाद फायर विभाग की टीम लगातार हरकत में है। इसी के तहत भावनगर में फायर ब्रिगेड द्वारा कई इलाके में व्यापारियों की दुकानों और इकाइयों को सील कर दिया गया, जिससे नाराज व्यापारियों ने दमकल विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए मामले में नोटिस देने के बाद सील करने की कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इस मामले व्यापारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों के बीच जमकर घर्षण भी हुआ। गुजरात के अमरेली के धारी में लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों के बीच वाहनों की चेकिंग की गई। अमरेली के धारी में धारी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा शहर में अवैध रूप से घूमने वाले वाहनों की चेकिंग कर कार्यवाही की जा रही है। आरटीओ के सभी नियमों का पालन हो और दुर्घटना ना घटे, इस आशय से धारी के लाइब्रेरी चौक में वाहन चेकिंग की कार्यवाही की गई, जिसमें सीएनजी पासिंग बिना चलाने वाले वाहनों को भी पकड़ा गया। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है, ऐसे में अवैध गतिविधियां रोकने के लिए देश भर में पुलिस मुस्तैद दिख रही है। राजकोट अग्निकांड के बाद गुजरात के सभी शहरों में फायर ब्रिगेड द्वारा बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान चलाकर बिना पूछताछ के प्रॉपर्टी सील की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में फायर ब्रिगेड की अलग अलग टीमों द्वारा अलग अलग इलाकों में फायर सेफ्टी का चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें फायर सेफ्टी के प्रति लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की गई है। फायर ब्रिगेड द्वारा लगातार 5वें दिन इस कार्यवाही को अंजाम देते हुए वार्ड नंबर 18 के मांजरपुर इलाके में सरस्वती कॉम्प्लेक्स के 180 यूनिट सील कर दिए गए हैं, जिसमें फास्ट फूड की दुकान, कमर्शियल ऑफिस, क्लासेस सब कुछ शामिल हैं। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि कॉर्पोरेशन बिना किसी नोटिस और बिना किसी फायर एनओसी की पूछताछ के सीलिंग अभियान को अंजाम दे रहा है। VMC દ્વારા સ્થળ તપાસ કરતા તે લોકોએ ફાયરની NOC રિન્યુઅલ નથી કરાવેલી, અને ફાયર સિસ્ટમ પણ હજુ કાર્યરત છે અને એ લોકોની પંપ પણ એમનો વર્કિંગમાં નથી, એટલે પ્રિમાઇસિસની અંદર લગભગ 100થી ઉપર વધુ દુકાનો આવેલી છે, એ જગ્યાને રીચેક કરતા તે પ્રકારે કોઈ સિસ્ટમ એક્ટિવ મળી નથી, એટલે અત્યારે હાલમાં તેને VMC અને વડોદરા ફાયર સર્વિસની ટીમ દ્વારા તેને સીલ મારવામાં આવે છે। વડોદરા શહેરમાં ગુજરાત રાજ્ય પોર્ટલનું એક ગુજરાત સરકારે પોર્ટલ બહાર પાડેલું છે, તે પોર્ટલની અંદર દરેક અરજદારે ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ત્યાંથી જ અમને ત્યાં ફોરવર્ડ થાય છે, એટલે હવે જે પહેલાં જે સિસ્ટમ હતી કે વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસમાં ઇન્વર્ટ કરાવવું, એ સિસ્ટમ હવે નથી, હવે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર પોતે જ એક પોર્ટલ ચલાવે છે, તે પોર્ટલની અંદર જ
જે અરજદાર છે તે અરજદારે પોતે જ ત્યાં ફાયર એનઓસી સબમિટ કરાવાય, અને જે જે જગ્યાએ આવી તમે જે સવાલ પૂછો છો કે જે જગ્યાએ ફાયર એનઓસી નથી એવી જગ્યાએ વડોદરા ફાયર સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સ્થળ તપાસ કરીને નોટિસ આપવામાં આવેલી છે ફાયર સેફ્ટી ચકાસવા માટે. એ લોકો પાસે એનઓસી નથી, ફાયર એક્સ્ટિંગ્યુશર્સ પણ એક્સપાયર થઈ ગયા છે, પંપ ચાલતા નથી એ લોકોના, એટલે ફાયર સેફ્ટી જેવું કશું છે નહીં. એટલે ટોટલ 180 યુનિટ્સ છે, જેની અંદર ક્લાસીસ છે, દવાની દુકાનો છે, ફૂડ્સની દુકાન છે, જ્વેલર્સ છે અને કોમર્શિયલ એક્ટિવિટી ધરાવતા ઓફિસ છે. વડોદરા કે સાવલી મેં ભી ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા તાલુકા કે અસ્પતાલ કોમ્પ્લેક્સ શોપિંગ સેન્ટર મેં ચેકિંગ શરૂ કી ગઈ હૈ. રાજકોટ દુર્ઘટના કે બાદ અચાનક હરકત મેં આયે ફાયર વિભાગ ને ફાયર એનઓસી જાંચ અભિયાન ઓર સીલિંગ કી કાર્યવાહી શરૂ કી હૈ, જિસમે સાવલી નગરપાલિકા કે ચીફ ઓફિસર ભી શામિલ રહે. અમરેલી કી ચલાલા નગરપાલિકા મેં ભી પીજીવીસીએલ ઓર પોલીસ દ્વારા ફાયર સેફ્ટી પર સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ કિયા ગયા. રાજ્ય સરકાર ને સભી છોટે બડે શહેરો ઓર ટાઉન ઇલાકે મેં ફાયર સેફ્ટી ઓર બિલ્ડિંગ મેન્ટેનન્સ કી જાંચ કી, જિસમે નગરપાલિકા કે વિભિન્ન વિભાગો કે અધિકારી ઓર પોલીસ અધિકારી મોજૂદ રહે. 4 જૂન કો હોને વાલી મતગણના કે તહેત ઉત્તરાખંડ કે હરિદ્વાર મેં જિલ્લા કલેક્ટર નિર્વાચન અધિકારી ધીરજ સિંહ ગરબિયાલ ને મતગણના કર્મચારીઓ કો આવશ્યક દિશા નિર્દેશ દિયે. देशभर में लोकसभा चुनाव के मतगणना की तैयारियां हो रही है. इसी के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में मतगणना के सुपरवाइजर, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई, जिसमें उन्हें अलग अलग मार्गदर्शन देकर मतगणना पर प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गरबियाल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतगणना हेतु आवंटित कार्यों को निष्पक्ष और कुशल रूप से संपन्न कर अपनी योग्यता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कर्मचारियों को दिए हैं. निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण मतगणना है, जो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मतगणना कार्य में त्रुटि रहित काम करना सुनिश्चित करने की बात इस मौके पर की गई. सभी कर्मचारियों को इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने पर बधाई भी दी और अब मतगणना को भी उसी कर्तव्यनिष्ठा के साथ संपन्न कराने पर जोर भी दिया. मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर घबराने के बजाय एआरओ आरओ की सहायता लेने की बात की गई और किसी भी स्तर पर खुद निर्णय नहीं लेने पर भी जोर दिया गया. इस मौके पर नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के एन तिवारी और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर संतोष रमोला ने बताया कि सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होगी और उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम मशीन की मतगणना शुरू हो जाएगी. ऐसे में सभी कर्मचारियों को सुबह 6 बजे मतगणना स्थल पर पहुंचने की हिदायत दी गई है. इस दौरान उप जिला अधिकारी मनीष सिंह, अजयवीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान, डॉक्टर संतोष चमोला समेत के अधिकारी उपस्थित रहे. गुजरात के भरूच में निजी बैंक तोड़कर बैंक की तिजोरी लूटकर उसे ट्रैक्टर से खींचकर खेत तक ले जाया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखने के लिए देखिए ये खबर. जो दर्दनाक हादसा राजकोट में हुआ है उसके बाद से बीजेपी की सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो सीट है वो इस जो इंसिडेंट की पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेट करेगी. इस इंसिडेंट को आम आदमी पार्टी, क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ विपक्ष है, हमने देखा, हमने सोचा, हमने रिसर्च किया तो हमने ये पाया कि पिछले 5 साल में जब कभी भी बीजेपी के नेता और सरकारी अधिकारियों के नेक्सस के कारण गुजरात में जो भी ट्रेजेडी हुई, जो भी दुर्घटनाएं हुई, हर दुर्घटना के बाद बीजेपी के लोगों ने जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जनता को कुछ समय के लिए इस घटना से भुलाने के लिए हर बार सीट बना बनाकर 50 से ज्यादा सीटें बनाई गई है. आज तक किसी भी सीट बनाने के बाद किसी भी गुनहगार को, किसी भी अक्यूज को कोई कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिली हो ऐसा कोई रिपोर्ट हमको हमारे रिसर्च में नहीं मिला है. तो हमने ये डिसाइड किया है कि आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, प्रदेश के सारे नेता, गुजरात सरकार ने पिछले दिनों में जितनी भी सीट की रचनाएं करी है, जितनी भी टीम बनाई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो विक्टिम है, उस समय के जो विक्टिम है, पीड़ित है, उनसे आम आदमी पार्टी की टीम मिलेगी, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि इतने सालों के बाद, सीट बनने के बाद, तरह तरह की हेडलाइन बनने के बाद, सरकार के तरह तरह के दावों के बाद क्या आपको न्याय मिला या नहीं मिला. तो हमने वो 50 से ज्यादा सीट जो बीजेपी की सरकार ने बनाई है
उन सीटों के इंसिडेंट के जो पीड़ित हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और सरकार को एक्सपोज करेंगे कि हर बार ये सीट का नाटक किया जाता है और बाद में ठंडे बस्ते में इस दुर्घटना को डाल दिया जाता है। आज से हमने डिसाइड किया है, एक दो दिन में डिसाइड अलॉट कर देंगे सारे लीडरों को कौन कहाँ जाएगा और सब जाके पीड़ितों से मिलेंगे। दूसरी एक चीज ये भी हमारे रिसर्च में सामने आई है कि पिछले चार पांच बड़े बड़े इंसिडेंट जैसे मोरबी दुर्घटना, जैसे लट्ठाकांड हुआ था, पूछ ट्रेजेडी हुई थी, राजकोट की आरती गेम जोन है या और भी कई इंसिडेंट्स है, ये पाया गया कि हर बार सीट में सरकार के कुछ चहेते स्पेशल ऑफिसर हमेशा उस सीट में रहते हैं, जैसे सुभाष त्रिवेदी। ऐसी क्या बात है कि सरकार को एक ही आदमी मिल रहा है सीट के अंदर काम करने के लिए? तो ये भी कोई बड़ी चीज की ओर इशारा कर रहा है। मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने प्री मानसून के अंतर्गत देश में बारिश की संभावना जताई है। मानसून ने देश में दस्तक दे दी है, लेकिन इसी बीच मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने वडोदरा समेत के गुजरात के कई शहरों में प्री मानसून के तहत बारिश की संभावना जून के प्रथम सप्ताह में जताई है। चौमासु पूर्व प्री मानसून एक्टिविटी छती हुए हाल में प्री मानसून एक्टिविटी होने की शक्यता रहे तारीख 26 जून सुधी में आधी मानसून प्रमाण वच्चे आधी मानसून गाजवी साथ केटला भाग में वरसाद होने की शक्यता रहे दक्षिण गुजरात भागो दक्षिण सौराष्ट्र के केटला भाग में वही नक्षत्र में वरसाद होने की शक्यता रहे उत्तर गुजरात भागों में ધોલકટ ડસ્ટોમ આવવાની શક્યતા છે આ ડસ્ટોમ જમ્મુ હશે અને હવે ધીરે ધીરે ઘરના સાંપડા ઉગાડી શકે કાચા મકાનના સાંપડા ઉગાડી શકે એવા પવનો ટૂંકા છે વહી ગુજરાત કે મોસમ વિભાગ કે વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવને કુછ દિન મોસમ સૂખા રહેને કા અનુમાન જતાયા હૈ आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है वो ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 9 लाख चेंज में रहेगा और आज कल और परसों 3 दिन के लिए डस्ट स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है कच्छ पाटन बनासकांठा और सुरेंद्रनगर में और विंड स्पीड की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए विंड स्पीड की वार्निंग दी गई है जिसकी विंड स्पीड की जो रेंज होगी वो 25 से 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहेगी। गुजरात के राजकोट में घटे अग्निकांड के बाद राजकोट की मेयर ने एक शब्द नहीं बोला था लेकिन मीडिया ने आखिरकार उन्हें घेर कर सवाल पूछ ही लिए। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में घटी आग की दुर्घटना में 27 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले राजकोट के मेयर नैना पेढ़िया ने पहली बार बयान देते हुए मृतकों के परिवार के प्रति दुख जताया है, साथ ही जांच की बात भी कही है। सख्त प्रयास छे के मेयर भागे छे। मेयर भागता નથી તપાસ ચાલુ છે, તમે જોઈ શકો છો કે તપાસ નો ધમધમાટ રાજકોટ મહાનગર પાલિકા ની અંદર થઈ રહ્યો છે। અને મેડમ નેતાઓને આ મામલે નહોતી ખબર, પૂર્વ મેયર ની એની કોઈને નહોતી ખબર, તપાસ ચાલુ થઈ રહી છે, તમે પણ અત્યારે બધા જોઈ શકો છો। મેડમ કોની સામે તપાસ થવી જોઈએ? તમે સખત પ્રશ્ન મીડિયા વાળા ઘણા લાંબા સમય થી જોઈ છે કે એક મુદ્દા માટે ની તપાસ મુદ્દો નથી, 27 લોકો ના જીવ નો સવાલ છે બેન, મુદ્દો નથી, જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યારે રાજકોટ ની અંદર સરકાર દ્વારા પણ તપાસ થઈ રહી છે અને તપાસ થતી પણ રહેશે, આ માટે તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવશે। એની લાગણી એક માતા તરીકે મને પણ હોય છે, તો આ તકે નો ધમધમાટ તમે પણ જોઈ રહ્યા છો કે તમે પણ આમાં દરેક જગ્યાએ જાઓ છો ત્યારે તમને પોતાને પણ એક લાગણી છે। આસુરા કરતા માતા તરીકે ભલે જે સ્ત્રી માતા બની ન હોય અને માતા જે બની છે સ્ત્રી માત્ર હંમેશા લાગણીશીલ હોય છે, એ લાગણી દેખાડવા માટેની કે આસુરા પાડવા માટેની કોઈ જરૂર નથી હોતી, એના શબ્દોમાં આવી જાય છે
જ્યારે કોઈ બોલે છે ને તો આકરા પ્રહારો જ્યારે બોલે છે ને ત્યારે સ્ત્રીને એક લાગણી થતી હોય છે આ દરજ્જા ઉપર કે આટલા બધા મીડિયાની સામે ફોકસ અમને જ કરે છે લેડીઝ તરીકે પદાધિકારીઓ સામે ભૂલવા ભલે હું એમ નથી કેતો પદાધિકારીઓ સામે પણ તપાસ થવી જોઈએ આપણે ખાલી ચોક્કસ તપાસ થવાની છે મને અત્યારે તમે આ બાબતમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન તમે પૂછશો તો તપાસનો ધમધમાટ ચાલુ છે જે તપાસ થશે એ થવાની જ છે આ બાબતમાં હું મારું નિવેદન નહીં આપી શકું કેમ કે આ નિવેદન અમુક આપણને કહેવાની જરૂર હોતી નથી જે તપાસની જેને કામગીરી સોંપેલી છે એ 100% કડક તપાસ કરશે આ બાબતમાં હું અત્યારે મન ધારણ કરું છું કેમ કે જે દ્રશ્ય જોયેલા છે એનો આઘાત અમને પોતાને પણ છે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગ્નિકાંડ કે બાદ કઈ નિર્માણ કો ફાયર એનઓસી કે ચલતે સીલ કર દિયા ગયા હૈ જિસ પર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કે કમિશનર ડીપી દેસાઈ ને જાણકારી દી દુખદ ઘટના બન્યા બાદ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારની અંદર જ્યાં પબ્લિક ગેધરિંગ થઈ શકે તેવી જગ્યાઓમાં અત્યારે ઝુંબેશના રૂપમાં ચકાસણી કરવાનું ચાલુ કરી રહેલું છે પબ્લિક ગેધરિંગની જગ્યામાં ખાસ કરીને અમે હોસ્પિટલ સ્કૂલ ટ્યુશન ક્લાસીસ મોલ્સ થિયેટર મલ્ટીપ્લેક્સીસ ઓડિટોરિયમ બેન્ક્વેટ હોલ આવા પ્રકારની મિલકતોમાં અત્યારે અમે અગ્રતા આપી અને તપાસ કરી રહ્યા છીએ મહાનગરપાલિકામાં કુલ 18 વોર્ડ છે એટલે તમામ બે વોર્ડમાં એક સાથે ઝુંબેશના રૂપમાં કામ કરી શકાય એ માટે 18 ટીમનું આયોજન કર્યું છે પરમ દિવસે સાંજથી જ આ ટીમ દ્વારા કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે કાલે પણ આ કામગીરી ચાલુ હતી અને આજે પણ આ કામગીરી ચાલુ છે ગઈકાલે સાંજ સુધીમાં લગભગ 200 ઉપરાંત જેટલી મિલકતોની અમે તપાસ કરી શક્યા છીએ અને તપાસણીના અંતે જેમાં ફાયર એનઓસી ન હોય બીયુ પરવાનગી પણ મેળવેલી ન હોય એવા 40 ઉપરાંતના એકમોને અમે સીલ કર્યા છે અને લગભગ 70-80 જેટલા યુનિટમાં જ્યાં નાની ક્ષતિ જણાઈ આવેલી હોય એવી ક્ષતિની પૂર્તા કરવા માટે આપણે નોટિસ આપી છે ગુજરાત કે વડોદરામાં હોને વાલી મતગણનામાં તૈનાત કિયે ગયે પોલીસ બંદોબસ્ત પર જોઈન્ટ સીપી મનોજ નિનામાને પત્રકાર પરિષદમાં જાણકારી દી હૈ લોકસભા ઇલેક્શન 2024 અને વાગોડિયા વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી બંને કાઉન્ટિંગ વડોદરા ખાતે પોલિટેકનિક કોલેજમાં 4 જૂને રાખવામાં આવેલું છે તેના માટે સલામતીના ભાગરૂપે તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે જેમાં ડીસીપી એસીપી અને પોલીસ પર્સનલ સહિત 400 માણસો જે છે એ 3 લેયરમાં બંદોબસ્ત જાળવશે જે 3 લેયરમાં ગોઠવવામાં આવેલો છે એક બિલ્ડિંગની અંદર કે જે કાઉન્ટિંગ થવાનું છે બિલ્ડિંગની બહાર ઇનર સાઈડ અને બિલ્ડિંગ પ્રિમાઇસીસની બહાર મેઇન ગેટ અને પાર્કિંગ અને 290 જેટલા પોલીસના જવાનો ટીઆરબી અને ટ્રાફિક બ્રાન્ચ જે છે તમામે 4-4 જગ્યાનું ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંભાળશે અને પાર્કિંગની વ્યવસ્થા સંભાળશે આ માટે આપણે પ્રજાને કોઈ તકલીફ ન પડે એના માટે ડાયવર્ઝન પણ આપવામાં આવેલા છે અને 200 મીટરની મર્યાદામાં આપણે વાહનોની અવર જવર બંધ કરવામાં આવેલી જે અંગેના તમામ જાહેરનામા બહાર પાડી દેવામાં આવ્યા છે જ્યાં સુધી જે લોકોને અપીલ કરવાની છે આપણા માધ્યમથી ખાસ એ છે કે ઈસીઆઈની ગાઈડલાઇન છે જે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ જે છે એ મુજબ મોબાઈલ ફોન કાઉન્ટિંગ સેન્ટરમાં નો એલાઉ છે તો અગાઉથી જ આપણે અપીલ કરીએ કે મોબાઈલ લઈને આવે અને પછી રાખવાની અને મૂકવાની અને બધી સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે એ નિવારવા માટે આપણે જે એલાઉ નથી એ વસ્તુને સાથે લાવીએ નહીં અને આમાં સહકાર આપીએ બીજું કે
જે તમારી પાર્કિંગ વ્યવસ્થા છે એ ચાર પાર્કિંગમાં અલગ અલગ જગ્યાએ પાર્કિંગ રાખવામાં આવેલું છે. એમાં ખાસ કરીને ઉમેદવાર અને એજન્ટ માટે અલગ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા છે, એ ગેટ નંબર 2 થી પ્રવેશ મળશે. ઓફિશિયલ્સ અને ઓફિસર્સ જે ચૂંટણી સાથે સંકળાયેલા છે એ લોકોને ગેટ નંબર 1 થી પ્રવેશ આપવામાં આવશે. અને અર્લી મોર્નિંગ 4 વાગે આ બંદોબસ્ત લાગી જશે, એટલે પોલીસ પર્સનલ પણ 1 નંબરના ગેટથી આવી શકશે. પછી 1 નંબરના ગેટ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવશે. ત્યાં મેઇન ગેટ છે, એની સામેની સાઈડ જે MSનું ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં આપણે પબ્લિક પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી લોકોને તકલીફ ન પડે અને ત્યાં પાર્ક કરીને લોકો જે લોકો અંદર નથી જવાના પણ કાઉન્ટિંગમાં ગેટની બહાર રહેવાના છે, ટેકેદારો છે, કાર્યકરો છે વગેરે વગેરે, એ રીતે ટોટલ 750 માણસો જે છે આ આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન વડોદરા શહેરમાં જે કાઉન્ટિંગ થવાનું છે એમાં વ્યવસ્થા જાળવશે. અને ઓલરેડી અત્યારે જે આપણે 3 લેયર વ્યવસ્થા જે ગોઠવી છે EVM માટે, જેમાં ઇનસાઇડમાં સ્ટ્રોંગરૂમ વગેરેમાં પેરામિલિટરી ફોર્સિસ, નીચે ઇનર સાઇડમાં સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ અને આઉટરમાં લોકલ પોલીસના જવાનો જે 2 શિફ્ટમાં ફરજ બજાવે છે એ બંદોબસ્ત પણ એની સાથે સાથે ચાલુ રહેશે. VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार.